ये शिकार को एक किलोमीटर दूर से निशाना बनाते हैं और उसका पीछा करते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन आधे से भी कम शिकार इनके हाथ लगते हैं और आज शाम ये जवान नर नाकामयाब रहा। आमतौर पर चीता अकेले रहते हैं लेकिन इसका एक भाई है। जिस दिन से पैदा हुए हैं ये 4 साल के बच्चे 2 शरीर 1 जान है। लो लाइट कैमरास के साथ अब हम चीता के रात की दुनिया को देख सकते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। रात के वक्त भाइयों की खेलकूद बढ़ गई है और उनका शोर भी। चीता बड़ी बिल्लियों की तरह दहाड़ नहीं सकते लेकिन वो घुरघुराते हैं। पालतू बिल्लियों में इसे खुशी का संकेत माना जाता है लेकिन कहते हैं चीता घुरघुराते हैं मजबूत रिश्ते कायम करने के लिए। इन्हें शिकार करना ही होगा। वैसे तो बिल्लियां निशाचर होती हैं, पर चीता की आंखें दिन की रोशनी के लिए बनी हैं। हमारे कैमरास की मदद से अब हम उनसे ज्यादा साफ देख पाते हैं। शिकार शिकारी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों भाई इस खेल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाल ही में पता चला है कि अपने एक तिहाई शिकार चीता रात में ही करते हैं। एक निपुण शिकारी वो अपने शिकार को बचने का मौका ही नहीं देता लेकिन आगे जो होता है उससे पता चलता है कि इन दोनों भाइयों की जिंदगी अंधेरे में कितनी मुश्किल है। झुंड एकजुट हो गया है, साथ मिलकर वो चीता को उसके शिकार से दूर भगा सकते हैं। एक भाई दूसरे की रक्षा करेगा। लेकिन ये इनकी परेशानियों की बस शुरुआत है। पल भर में शिकार की गंध ने एक लकड़बग्घे को यहां खींच लाया है। ये चीता से ज्यादा शक्तिशाली है। बस एक लकड़बग्घा दोनों भाइयों पर भारी पड़ेगा। शिकार बचाने के लिए दोनों को लड़ना होगा। यहां मसाई मारा में लकड़बग्घों के दल में 60 सदस्य तक हो सकते हैं और 10 में से 1 बार चीता अपना शिकार खो बैठता है।